Hare Hare, Hare Rama.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram
كيتنام برنام شاكينام جا في دور عاشين سالبطولي بمانتم فاشرامي قاندو مريك شمس منتاب بيتكان لاكا جودي مكرمين وما كرم قرمان يدي قابيون وما سيميش وسيبرم للعالم وما بيشاش وخدر بدوها صناك نسوان أنا بمجهان جمعان قريجا منان دباه شفي سوريا لكم أشرامي باندي كهوتا شوكتم سوكي لصابي سوكي لم يا واقف ديو جيب من كرمي بيابتون تليكي نبي سسرى اشتاك دوكم دوكا موبيا تبيدا دوكا تليكا جريكم آمي قوام سورسن راي زندي كيسيني رانجل يوكناندي ساستيكيو قوام مهارشي سيدر سنبا سوانتي قوام ستوتي هيكو رودرادیتیا رسوی سسادیا ویشنیشن مروتا سوشن راشتر واندر یکشا سورسید سنگا ویکرم دیکھا اسمك سيد سري ساني سيك شتوك يا زغت رجيشت مرد يتيت رجحان سيك لبهود رغنجي سري شانتی سید سنگا قسمت سدینا نمیران محاکنا گری سید منو یادی آتی آنان گری شجدن نماز وما شرم سد ستتنيا كما بديوى قروش القرآن وما سيعيش فسيقرن بنعان بالتعسلم بيوم سقرن تدهاما ويا تلقيش ومن الحروب ويوري مغني ورناش شنقا ويا تلقيش
गीता जी का पाठ 11वां अध्याय श्लोक संख्या 23 से 33 तक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु रूपं महते बहुभक्तनेत्रं महाबाहो बहुबाहुकारं बहुदरं बहुदशाकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्त्रिसंदीप्तमनेकवर्णम् व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा विभिन्नविन्दामि शमन्त विष्णु दंष्टाकरालानिते मुखानि श्रेष्ठैव कालानलसन्निधानि दिशो न जाने न लभेत शर्मा त्व
कबीर रे सजगन निवास अमित त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वेश हैवावनिपाल सन्धिः भीष्म द्रोण शूत्रपुत्रश्च धासौ सहस्मदीयैरपि योधमूर्खै वक्त्राणि ते स्वर्माणाभिसन्धि दर्शापराधानि भयानकानि केचिद्विलग्नादशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते सुनितैरुत्तमानि यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेग समुद्रदेवाभिमुखा जगन्ति तथा च वामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धदेवा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तदापि वक्त्राणि समृद्धदेवा मेलीयसे कृसमाना समन्ताल्लोकान् समग्रान्वरमेश्वरसि तेजो हिरापूर्य जगत्समागम् भासस्वरूपाप्रपन्ते विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववरप्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तु माद्यं महे प्रजानामि तव प्रवीतिम् श्रीभुवनुवच कालोऽस्मि लोकाक्षयकृत्कवृद्धो लोकान् स्वमः त्वमिह प्रदेश स्थितिपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठजसो लभस्व जित्वा शत्रून् भोक्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमातं भवसव्यसाचिम् तस्मात् त्वमुत्तिष्ठजसो लभस्व जित्वा शत्रून् भोक्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमातं भवसव्यसाचिम् वसुदेवसुतं देवम् कंसचारूरमार्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं
यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा 26 मार्च 1995 प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम 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 कामना होती है, एक आवश्यकता होती है। तो मेरे को ऐसा मालूम हुआ उन अंग्रेजी जो वारंट और डिजायर है वो एक ही है, उसकी एक ही जीत है। जैसे वासना है, कामना है, इच्छा है और आशा है, तृष्णा है, ये एक ही नाम है। मात्रा में भेद है, मात्रा बहुत हल्की होती है तो वासना कहते हैं, सामान्य इच्छा कहते हैं। जब वो मिल जाए ऐसी बात होती, मिल जाए मेरे को तो कामना कहते हैं। मिलने की आशा समझ जा रही है, मिलने वाली है तो आशा कहते हैं। वो मिल जाने के बाद फिर मिले इसको तृष्णा कहते हैं। चीज एक था तो एक ही चीज हुई। ऐसे वांट डिजायर एक दो शब्द और भी मिले, उनका तात्पर्य मैं ये समझा कि एक ही धातु है, धातु दो चीज नहीं है। हमारी जो कामना आवश्यक है धातु दो चीज है, इस वास्ते इसका पर्याय हमें मिला नहीं। मैंने सुन रखा था ऐसे एक वांट और डिजायर ये है आवश्यकता और इच्छा, मानो है जड़ चीज की ही। हमारे दो चीज है, इच्छा कामना वासना तृष्णा जो मैंने कही, ये है जड़ की, नाशवान की, उत्पत्ति विनाशील की। और हमारी लालसा भीतर जो आवश्यकता है वो चेतन तत्व की। हमारे आवश्यकता और कामना में भेद है, ये भेद हमें अमली जी मिला नहीं। आप विचार किया तो कोई शब्द बताओ। कामना को ही आवश्यकता बताया गया शिक्षा में, कामना को ही आवश्यकता बताया गया। हाँ तो मैं तो एक जाति की, जैसे मैंने बताई वासना कामना तृष्णा इच्छा आशा तृष्णा, ये है एक ही, मानो एक विषय की है ये। हमारे यहाँ इच्छा आवश्यकता है दो चीज है, मानो एक संसार के पदार्थों की, व्यक्तियों की, वस्तुओं की, अवस्थाओं की, घटनाओं की, क्रियाओं की जो चाहता है ये लालसा कामना है। और जो परमात्मा तत्व की चाहना है उसका नाम आवश्यकता है। हमारी भेद है, ऐसा भेद अंग्रेजी शब्दों में हमें मिला नहीं। आपको मालूम हो, आप अंग्रेजी पढ़े लिखे हो तो ये भेद हो तो बताओ। कामना का तो नाश होता है, आवश्यकता की पूर्ति होती है। आवश्यकता का नाश कभी नहीं होगा, होगा ही नहीं कभी, कभी होगा तो पूर्ति ही होगी इसकी। और इच्छा की, इच्छा का नाश ही होगा, पूर्ति कभी होगी ही नहीं। इन
तत्वों को समझ लो, कम से कम शब्दों से समझ तो ले, शब्दों से ही हो। परमात्मा तत्व की प्राप्ति की भी इच्छा है हमारे को, और संसार के संग्रह और भोगों की भी इच्छा है। संग्रह भोग दो है, मानो पैसा दूजी वस्तु हमारे पास हो जाए और हम उनके द्वारा सुख भोगे, तो संग्रह की इच्छा और भोगों की इच्छा, ये दो इच्छा कामना है ये दो। अब इसमें कम ज्यादा मात्रा में हो जाए, उनको इतना वांटेड डिजायर कर देता हूँ की ऐसा हमें मालूम हुआ कल की बातों से, पहले हमें मालूम नहीं था। तब तो हम यही जानते थे वांट और डिजायर है ये कामना और आवश्यकता के पर्याय है, परंतु ये पर्याय नहीं है, कल के विजन से ये हमें मालूम हुआ। अब इसमें फर्क हो तो आप बताओ, जो पढ़े लिखे हो अंग्रेजी शब्दों को ठीक जानते हो, तो इसमें अब गीता का अनुवाद करेंगे तो अनुवाद में वांट और डिजायर कर देंगे तो वो असली अनुवाद नहीं होगा। भाषांतर में जो हम लिखते हैं तो असली जो जिस भाषा में जो बात है वो दूसरी भाषा में नहीं आती। जैसे अंग्रेजी में जो भाषा बात आएगी उसका हिंदी करे तो बहुत चतुर होगा, हिंदी करने वाला तो बहुत बातों को कर देगा, पर वो नहीं कर सकेगा। संस्कृत का हिंदी, हिंदी का संस्कृत पूरा नहीं कर सकते। ऐसे अंग्रेजी की हिंदी, हिंदी की अंग्रेजी पूरा पूरा नहीं होता है, उसमें कमी रहती है। दूसरी भाषा है वो एक भाषा अपनी अपनी अलग होती है। तो ये कल स्पष्ट मालूम हुआ कि हमारी जो आवश्यकता है कामना है ऐसी बात है वो अलग है। हमारा आवश्यक ध्याय कामान यशवान पुमान सरती निष्प्रिय निर्मोह निरहंकार, ये कामना काम है, और निरहंकार होते ही वो हो जाती है अहंकार मिटने की बात। तो अहंकार के मिटने की बात कोई आई नहीं अंग्रेजी में, आप आई हो तो बताओ। निर्मो निरहंकार ध्याय कामान्य सर्वान, कामना का त्याग कर दे, कामना के बाद स्प्रिया रहती है, स्प्रिया नाम जरूर। जैसे भोजन करना है तो कामना होती है, स्प्रिया क्या किसी तरह से पेट भर जाए, इसको स्प्रिया कहते हैं। जिसको परवाह कहते मेरे को क्या परवाह है तेरी, तो परवाह शब्द स्त्रिया का ही बना हुआ है, संस्कृत में स्त्रिया शब्द है। रिहाय कामान्य सर्वती निष्प्रिय, तो ये तो अप्राप्त की हुई, और निर्मम किसको कहते हैं, जो प्राप्त वस्तु है उस ममता होती है, उस ममता रहित हो जाए। निर्ममो निरहंकार तो अप्राप्त की, निष्प्रिय और निर्मम ये परवा भी नहीं, ममता है जगह प्राप्त में ये अलग है, और मेरे अहंकार अहम बना है इससे रहित हो जाए, वो शांति को प्राप्त होता है। तो इस वास्ते निर्मो निरहंकार कह कर कहेगा ऐसा ब्राह्मी स्थिति, तो अहंकार रहित हो गया ब्रह्म की स्थिति हो गई, जीव तो रहेगी नहीं, जीव तो अहम है, ये जीव है, अहम नहीं रहेगा तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नहीं नाम प्राप्त हुई थी, ये ब्राह्मी स्थिति हो गई। तो ब्राह्मण स्थिति है, इसकी आवश्यकता है। मानो जड़ के साथ में जो चेतन मिल गया परमात्मा का अंश होते हुए प्रकृति के अंश को साथ में ले लिया, ये इसका जन्म मन का कारण है। कारण गुण संगो से सदसद योनि जन्म ऊंच योनियों में जन्म होने में गुणों का संग कारण है, मानो प्रकृति के संबंध का कारण है, अहंकारी कारण है। ये नहीं हो तो फिर मुक्ति हो जाएगी, बंधन नहीं होगा। तो निरहंकार की तरह त्याग हो तो निरहंकार का क्या आपके अर्थ होगा अंग्रेजी में, मानो व्यक्तित्व भी नहीं रहता, अपना व्यक्तित्व अलग ही नहीं रहता। इसमें भी बड़े सूक्ष्म बात है हमारे शास्त्र में, तो इससे भी सूक्ष्म है। तो अंग्रेजी में ऐसा मिला नहीं कोई शब्द, एक शब्द महाराज जी डिमांड, डिमांड डिमांड किसका नाम है, शरणानंद जी की भाषा में मांग, मांग 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 है, तो मांग शब्द ठीक है। परम शांति और
मांग है हमारी, वृत्ति नहीं है, उसकी ये शब्द है अंग्रेजी में डिमांड। अच्छा, डिमांड मुक्ति की इच्छा को कहते हैं, पदार्थ की इच्छा को कहते हैं डिमांड। जैसे भूख लगी तो अन्न की डिमांड कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, ये तो मतलब जो शरणानंद जी की भाषा में जो मांग कहा है परमार्थी जो शांति के लिए, लाभ के लिए, जो मांग कभी खत्म नहीं होती, मांग पूरी होती है। हाँ, वो उसके लिए शब्द है अंग्रेजी में डिमांड। बोलो भी और जानने वाले। महाराज जी, मेरे एक बात समझ में आई, ये अध्यात्म विद्या विद्या नाम, तो हमारे तो ये समझ आया कि हमने जो कुछ पढ़ा वास्तव में वो श्रेष्ठ विद्या है ही नहीं। तो बिल्कुल नहीं, अविद्या है। विद्या क्या है? अविद्या के भेद है। अविद्या के लिए इतना सारा प्रयत्न हो रहा है महाराज जी। देखो बोलते, पहले बहुत बार विचार करो तो डिमांड उसी का नाम है जो अपने मुक्ति की इच्छा, अपने कल्याण की इच्छा, उसका नाम डिमांड है। हम तो वांट डिजायर दो नहीं रहे, फिर डिमांड शब्द आ गया। तो डिमांड मानो आवश्यकता, किस बात की आवश्यकता? वो हमारी आवश्यकता है कि नहीं है, हमारे अनुभव में आ रही, जैसे बताओ कोई बात। हाँ जी, हमारे परम सुख के लिए, परम आनंद के, शांति की जो इच्छा है भीतर हर मनुष्य के, वो जो है मिटती नहीं है कभी। हाँ। जब बली जावे, हाँ। तो उसके लिए उस शब्द का हिंदी में तो उसको मांग कहते हैं, अंग्रेजी में डिमांड। हिंदी में क्या कहते हैं? मांग। अच्छा, जो कभी मतलब दब सकती है पर मिटती नहीं है, पूरी होने पर ही पूर्ति होती है। ठीक है, तो फिर वांट डिजायर नहीं रहा, फिर डिमांड होनी चाहिए। डिमांड अंग्रेजी में केवल इसी के लिए आए, ये नहीं है। हा? ये तो सनातन जी महाराज ने ये बात ली है, मांग का अर्थ है जो जिसकी पूर्ति हो, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। आई डिमांड 100 रुपी नोट, मुझे एक 100 रुपए के नोट की जरूरत है, तो ये जरूरत में ही काम में लेते हैं डिमांड शब्द को भी। लेकिन इन्होंने सनातन जी ने इस बात को ऐसे दिया, ये ऐसा समय दिया है तो मांग दिया है आवश्यकता को, आवश्यकता की मांग है, मानव की मांग, उसके लिए शब्द डिमांड है। तो डिमांड उसका पर्याय है, ये पूरा पता नहीं, आप अंग्रेजी देखिए कोई बात समझो, भाई डिमांड क्या उसका पूरा पर्याय है। घी का ये पर्याय नहीं है, अंग्रेजों की दृष्टि में डिमांड शब्द का अर्थ जरूरत ही है। हाँ। और शरणानंद जी ने ये कहा है कि मांग को डिमांड भी कहते हैं, इंग्लिश में कहा कि जिसको डिमांड कहते हैं, डिमांड कहते हैं। हाँ। तो वास्तविक जरूरत तो शरणानंद जी की दृष्टि में तो आत्मिक थी, आत्मिक दृष्टि से थी। हाँ। लेकिन अंग्रेजों की दृष्टि से जो है भोग की दृष्टि से जरूरत की, जड़ चीजों की जरूरत, ये पर्याय है महाराज। वांट का, हाँ? वांट का पर्याय है डिमांड, अंग्रेजी में वांट का पर्याय ही शब्द है डिमांड, अंग्रेजी वांट का ही है। हाँ, वो उसका पर्याय शब्द ही है। अच्छा, उसका अपने अनुभव में आप क्या कहते हो, इसका आप व्याख्या करें तो आप लोगों के हमारे मन में जो इच्छा है, कामना है, और जो जिज्ञासा है, जो मुमुक्षा है, ऐसे शब्दों का विभाग आप करो तो क्या विभाग कर सकते हो आप बताओ। अभी इस अवस्था में अभी हरेक की तत्व ज्ञानी महात्मा की बात जाने दो, अपनी साधारण बोलचाल की भाषा में हमारे भीतर परमात्मा की इच्छा है, इसे क्या पता? हमारे संसार की इच्छा है, इसे पता तो हो जाएगा, कामना है, वासना है, आशा है, तृष्णा है, ये बात हो जाएगी, परंतु परमात्मा की इच्छा है इसका क्या पता? हमारे जो परम सुख की, परम शांति की जो मतलब एक इच्छा है भीतर, वो मिटती नहीं है, बनी रहती है, इसलिए जो है तो मिटती बनी रहती है, इसको बताओ कैसे बनी रहती है। नाशवान में रुचि है, इसलिए वो उसमें रुचि नहीं होती नाशवान से, तब ये इच्छा बनी रहती है।
सांसवान में अपूर्ति अपूर्ति है, इसलिए ये इच्छा जागृत है। नहीं तो उपदास अपूर्ति अपूर्ति है तो अपूर्ति पूर्ति की जो हमारी मांग है उसका शब्द क्या है आपके कोष में? हमें मिला नहीं अब डिमांड, आप कहते हो मांग कहते हैं ये मैं मान लेता हूँ, हमारे जीवन में मैं ऐसा चाहता हूँ कि हर एक जीवन में मैं दोनों है, संसार की इच्छा भी है परमात्मा की इच्छा भी है, वो पहचाने चाहे नहीं पहचाने, ऐसे बताओ आप इतना दिन से सत्संग करते हो तो मैं तो दोनों बातों को कहता हूँ तो आपने पकड़ी हो तो बताओ। इन दोनों का विभाग कम से कम से कम विभाग तो समझे, हम दो विभाग है ये समझो, दो विभाग नहीं विभाग नहीं उसी को कहते विभाग नहीं हुआ, हुआ एक ही हमारा विभाग है। विभाग आपके सबके है, अब सबके लालसा है आपके। अब ध्यान देखो सुने आप लोग तो कम से कम सीख तो देंगे, सीख लेंगे तो कोई समय पर आपको याद रह जाएंगे तो कह दोगे नहीं भूल जाओगे, और असली समझ दोगे भूलेगा नहीं भाई, असली ठीक समझने के बाद में फिर भूलता नहीं। और ऐसी बात है कि उसमें गहरा उतर जाए तो जन्मांतर में नहीं भूलेगा, दूसरे जन्म में भी इस जन्म में क्या भूल है, और ठीक नहीं समझो तो भूल जाओगे। तो पाने की और करने की और जानने की जब तक हमारी इच्छा बनी रहती है कुछ न कुछ कभी पूरी नहीं होती, कुछ नहीं इसके बाद ये जाने इसके बाद ये प्राप्त करें, तब तक जो है हमारी जो है जब तक नहीं कहता मैं कहता हूँ न्यारा शब्द में न्यारी बात बताओ कोई जी आपसे कहते हैं कि मैं मुझे निरंतर सुख मिले जिंदगी चलते मेरे को निरंतर सुख मिलता रहे, मुझे निरंतर सुख मिलता रहे, मैं कभी मरू नहीं और मैं सब कुछ जान लूं, तो ये परमात्मा के दोनों सत्य ज्ञान सत्यम सत्य ज्ञान और अमरता की इच्छा इससे मालूम पड़ता है, ये जो तीन इच्छा है ना ये परमात्मा की तत्व की इच्छा ही है। आप ये कहते हैं लिखा होगा ये कहते हो आपके पास ठीक है ये कुछ वो बात नहीं, मैंने जो जानना चाहता हूँ आप लोगों से उनके शब्द ये ठीक मिले मानो सचित आनंद की इच्छा है, क्यों निरंतर हम बने रहे ये संसार की कभी नहीं हो सकती, निरंतर बने रहे ये आपकी डिमांड वांट कोई चीज नहीं पहुंचता इसमें, हम निरंतर बने रहे ये आपके मुक्ति की इच्छा है, ये आपके अनुभव में है ये, और सबसे अधिक जानकार बनो कि जिससे जानकार कोई मेरे से बढ़कर न रहे, ये आपके जानने की इच्छा है, और वो मिल जाए जिसके बाद फिर मिलना बाकी नहीं है। लोभ परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः, जिससे बढ़कर कोई लाभ हो ही नहीं ऐसा अत्यंत लाभ वो मिल जाए, तो ये वास्तव में पारमार्थिक इच्छा है आपकी, और संसार की चीज है वो आपकी इच्छा है मांग है वो संसार की है, आपकी खुद की मांग नहीं है वो, क्यों आप दो है, एक तो परमात्मा का अंश है एक प्रकृति का अंश है, अंश है परमात्मा के प्राकृत चीजों को पकड़ा है शरीर को, तो शरीर को पकड़ा है तो शरीर को लेकर इच्छाएं है ये कामना है। अंग्रेजी के जितने शब्द मिले हैं डिमांड का हमें पूरा पता नहीं है, डिमांड किसको कहते हैं, मैं तो झटकिया ही समझता हूँ, पहले कल जो सुना विचार किया उसे डिमांड भी झटकी ही है। क्या सब है क्या शब्द कह रहे वांट के अंतर्गत तीन चीजें है महाराज जी, वांट के अंतर्गत तीन चीजें नेसेसिटी डिजायर और लग्जरी, ये वांट के अंतर्गत तीन चीजें हैं। तो वो तीन चीजें मानो विषय एक ही रहा ना, विषय दो नहीं रहा,
इस बात से आपके एक मैंने जो दो भेद किए ये इस वास्ते है कि आप कम से कम शब्दों से तो समझो, अनुभव की बात तो ठीक है ही असली है, परंतु शब्दों में भी समझ में आ जाए तो भी एक तत्व तो लगे क्या क्या इच्छा है हमारे। अंग्रेजी में तो घी शब्द भी नहीं है, संसारी चीज भी नहीं है, उन्होंने घी कभी देखा नहीं, घी का शब्द कहाँ से आएगा। वैसे अध्यात्म अब तो ठीक है, अब वही गण ठीक है। अंग्रेजी में सेटिस्फैक्शन शब्द आता है महाराज जी, संतुष्टि। अंग्रेजी में एक सेटिस्फैक्शन शब्द आता है, सेटिस्फैक्शन संतुष्टि, संतुष्टि, संतुष्टि शब्द, संतुष्टि शब्द तो भाई धन मिल जाए तो ही हो जाते उपति, धन मिल गया अब संतोष, अब कोई जरूरत नहीं धन की, तो संतुष्टि का क्या शब्द कहा उन्होंने, कल मैं सुनता नहीं, ठीक सुन बोल नहीं सकता हूँ, पता नहीं लगा वो शब्द आया तो संतुष्टि का नाम है ना वो, तो संतुष्टि है ये तो आत्म तृप्त, आत्म तृप्त मानव आत्मनिर्भर संतुष्ट कार्य विद्यते, तो तीन शब्द आत्म शब्द के लिए है, ये तो आत्म रतिरेव सत आत्म तृप्त मानव आत्मनिर्भर संतुष्ट तस्य कार्य विद्यते, तो ये वास्तव में आत्म शब्द लगा कर क्या तो वो पारमार्थिक है, ये जड़ का नहीं है। जड़ में तीन चीज होती है, इस तो आत्मवृत्ति से प्रति क्या उसमें रमण करता है, तो रमण क्या करता है जैसे स्त्री में रमण करता है मनुष्य, वो रति होती है, और आत्म तृप्त मानव आत्म तृप्त हो गया, जैसे भोजन का करके तृप्त हो गया, अपने भोजन में कर सकते वो तृप्ति होती है, संतुष्टि जैसे धन गया तो अपन जीवन काफी जरूरत नहीं है, संतुष्टि है, ये तीन चीजें होती है संसार में, आत्मरति आत्मतृप्ति आप संतुष्टि, ये पारमार्थिक, तो पारमार्थिक विषय में ये चीज है, उसमें लौकिक विषय पसंद आया, लौकिक में अलग अलग है तृप्ति रति तुष्टि, और इसमें एक में ही है आत्मरति तुष्टि तृप्ति, तो इस तरह हमें समझा सकते है, इसमें कह सकते है, इस तरह से अंग्रेजी में बताओ दोनों, शब्द नहीं है मेरे ख्याल से, अब शब्द नहीं है, यही बात मालूम हुई, यही बात मालूम होती है, हम पर्याय वाचक हैं तो पर्याय वाचक शब्द निंदा नहीं है, मैं कि अंग्रेजी की निंदा नहीं करता हूँ, अंग्रेजी का हिंदी में करोगे तो हिंदी में भी शब्द नहीं मिलेगा, भाषा की बात बता रहा हूँ, मैं अंग्रेजी की निंदा नहीं करता हूँ, संस्कृत का जो शब्द है वो हिंदी में नहीं मिलेगा पूरा, अरे हिंदी में संस्कृत पुरानी में सब जगह ठीक बैठेगी नहीं बात, जैसे आपको उदाहरण बताऊं कि देही नित्य मवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात सर्वाणि भूतानि न तुम शोषित अर्हसि, अब तस्मात सर्वाणि भूतानि इसका अनुवाद करो हिंदी में, इसे हिंदी संस्कृत जानते ही हो आप, गीता तृति परिचित है आपके सबके, बहुत आदमियों के ठीक सिद्धि से भी अपने मारवाई के बराबरी होती है, कोई बड़ी बात की है गहरी बात नहीं है, तो तस्मात सर्वाणि भूतानि तुम सोचित अर्हसि, इसके हिंदी करो, कोई अंग्रेजी पढ़े हुए हो भाई, इसके हिंदी में पर्याय बताओ, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात सर्वाणि भूतानि न तुम सोचित अर्हसि, तो उत्तराधिकार बताओ तस्मात सर्वाणी भूतानि न तुम सोचित अर्हसि, इसका अर्थ बताओ, बस ठीक है, सब प्राणियों के लिए नहीं है, तो सब प्राणियों के लिए कौन सोच करता है, सब प्राणी के लिए कोई सोच करता ही नहीं, कोई इतने बैठे सब प्राणी के लिए सोच करते होगा कोई भाई, अब ठीक भाई मेरी बात को ठीक समझ कर बोलना नहीं, चुप रहना, तस्मात सर्वाणि भूतानि न तुम सोचित, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए सोच नहीं करना चाहिए, ये अर्थ होता है, तो सब प्राणियों के लिए कोई सोच करता ही नहीं, प्राप्तो सत्याम निषेध होता है, जो प्राप्ति नहीं तो निषेध किसका करते हो, प्राप्तो सत्याम निषेध मानते हो ना,
मानो निषेध किसका किया जाए, जो प्राप्त है उसका निषेध किया जाए, तो सब प्राणियों की कोई चिंता करता ही नहीं, फिर सब प्राणियों की चिंता नहीं करना कैसे बनेगा, निषेध कैसे करेंगे, तो इसका पर्याय नहीं मिलेगा हिंदी में। इसका हिंदी पर्याय ये होगा, किसी प्राणी के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी के लिए भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो किसी के लिए जो सर्वणी हो गया कि नहीं, सर्वणी का शब्द ऐसा नहीं मिलेगा, तात्पर्य मिलेगा कि किसी के लिए कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ये शब्द दूसरा देना ही पड़ेगा, भाषा दूसरी करो तो अंग्रेजी की भाषा हिंदी में करो तो अपना शब्द लाना पड़ेगा, और हिंदी की अंग्रेजी में करो तो अपना शब्द लाना पड़ेगा, पूरा अर्थ कहने वाला शब्द भाषा में नहीं मिलता। जैसे मारवाड़ी शब्द है, अब मारवाड़ी शब्द नहीं मिलेगा आपको हिंदी में नहीं मिलेगा। अब मैं कई बार कही ये बात कि बात बताई है ना क्या हाँ, तो जैसे बीकानेर में लाभी कहते हैं, जोधपुर में लाभी कहते हैं, लाभी पंजाबी लभी कहते हैं, इसका हिंदी में आज बताओ पर्याय। प्राप्त हो गई तो प्राप्त, अप्राप्त की प्राप्ति होती है, प्राप्त की प्राप्ति होती है, लाभी अप्राप्त के नहीं, पहले प्राप्त थी और नहीं थी वो प्राप्त की तरह लाभी नाम होता है, नहीं को लाभी नाम नहीं कहते। जैसे खोज गम गई चीज और वो लाभगी सर कुछ गम गई लाभगी, ऐसा बताओ, ऐसा शब्द है ही नहीं हिंदी में, खोज शब्द नहीं बैठता, खोज भी नहीं है, खोज तो खोज करने का नाम है, मैं खोज से मिल जाए उसका नाम बताओ, मिल जाए लाभी तो खोज करते करते लाभी, तो खोज चीज दूसरी चीज है, अन्वेषण करना है उसका, वो अन्वेषण होता है, नहीं है नहीं। तो दूसरी भाषा में दूसरा शब्द मिलता नहीं है, सब हो नहीं मिलता है, इस वास्ते अनुवाद से वो आनंद नहीं आएगा जो मूल में चीज है। जैसे अंग्रेजी कर दे कोई शेर जी की अंग्रेजी कर दी, साधु संत अंग्रेजी कर दी तो अंग्रेजी हो गई, पर होने पर भी जो हिंदी में रस आएगा वो नहीं आएगा। ऐसे अंग्रेजी में शब्द है, अंग्रेजी का है, वो हिंदी में करोगे तो अंग्रेजी में जो चीज है वो नहीं आएगी। भाषा अपना अपना एक अधिकार रखती है, भाषा की एक विलक्षणता है, जिसमें तत्व ही नहीं तो मिलेगा कैसे। मेरे काम पड़ा है कि जैसे अंग्रेजी में घी, तो घी शब्द मिलेगा ही नहीं अंग्रेजी में, घी कहना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेज मक्खन जी खाते घी निकालते ही नहीं, तो अंग्रेज घी शब्द आवे कैसे, कैसे आओ बताओ, है ही नहीं चीज। अरे वो तो मक्खन का नाम होगा, मटर ऑयल कह देते हैं और क्या है, चौदह चौदह मटर ऑयल मक्खन का तेल, तो मक्खन का तेल हुआ, घी को तेल बना दिया। अरे अंग्रेज पढ़े बताओ आप घी का नाम क्या बतावे, वो होता ही नहीं घी, तो अंग्रेज नाम कैसे आवे। भावानुवाद ही होता है, अक्षरानुवाद नहीं होता, शब्दानुवाद नहीं होता है, अक्षरानुवाद तो होता ही नहीं, शब्दानुवाद नहीं होता है, भावानुवाद होता है, तो उस भाव से कहकर समझाते हैं, उन दो चार पांच भाव मिला करके शब्द मिला करके उस बात समझाना पड़ता है। जैसे लाभी, लाभी किसका नाम है कि जो पहले थी खो गई और मौजूद थी वस्तु उसके पास मिल जाना नाम लाभी है, पा गई मिल गई, पा गई, पा गई शब्द नजदीक पड़ता है, ध्यान में आ गई, ध्यान में आ गई, ध्यान में आ गई, ध्यान में वस्तु नहीं आती है, ध्यान लाभी है, उसको लाभी है। तो इस तरह से ये इस वास्ते कहा कि भाषा से अपने उस भाव को समझो, तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे परमात्मा की इच्छा भी है और संसार की इच्छा भी है, दोनों इच्छाएं हैं हम लोगों में, तो दोनों की इच्छा है, तो इच्छा की
इच्छा है इस ये भूख है, मांग कह दो भूख कह दो भूख, एक भूख है मांग, भूख का नाम युवा भाव क्या बंद होता है, भूख लगी भूख प्यास ऐसी ये मांग वर्ग है, यहाँ तक ही बोलते है ना। तो इस बात हम भूख कह रहे हैं परमात्मा की भूख, ऐसा कह रहे हैं और लगना पड़े साथ में, अन्न की भूख नहीं परमात्मा की भूख, प्यासी प्यास पानी की नहीं प्रेम की प्यासा, प्रेम की प्यास, इन शब्द लगाना पड़ेगा, प्रेम शब्द तो और है तो ऐसा शब्द लगाना पड़ेगा। इससे एक बात बताना है आपको, भूख लगती है तो भूख लगती है तो भूख से मालूम होता है कि अन्न है, खाद्य वस्तु कुछ है, और खाद्य वस्तु न होती तो भूख नहीं लगती, भूख से खाद्य वस्तु की सिद्धि होती है। ऐसे पेय की पीने की पिपासा पीने की इच्छा है तो पेय कोई वस्तु है, ध्यान देना बड़ी मार्मिक बात है ये, तो पीने की कोई चीज होने से प्यास लगेगी, पीने की इच्छा होगी नहीं तो प्यास लगेगी नहीं, इच्छा वही होती थी कि पूर्ति होती है, पूर्ति होने की कोई है वस्तु। ऐसे जो आपको सदा सुखी रहूं, सदा ही निरंतर मौज में रहूं, सदा ही ज्ञान में सब जान लू, कोई जाना बाकी नहीं रहे, ऐसा सदा मैं हो जाऊं, नारायण 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 नारायण।